बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीक वी स्टडीड आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड द टॉपिक्स वी डिस्कस्ड आर इंट्रोडक्शन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड रेजोनेंस। सो अगर स्टार्ट की बात की जाए तो स्टार्ट में हमारे पास डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, और उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर उस एटम्स को स्टडी किया, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को स्टडी किया गया। फिर देखा गया कि एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, कितने हैं, फिर उन पर चार्जेस क्या हैं, फिर डिस्कवरीज हुई। फिर उसके बाद देखा गया कि जब दो एटम आपस में कम्बाइन होते हैं तो वो कैसे कम्बाइन होते हैं। जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान में कोई बॉन्ड बनता है, मतलब वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। जो हमारे पास पहले तो ये कहा जाता था कि जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे हम HCl की बात की जाए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में कंबाइन होते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। फिर उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक N2H2 ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो डिस्कवर हुए और वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे। फिर देखा गया इनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही नहीं है, तो फिर हमारे पास बॉन्ड कैसे बनता है। फिर हमारे पास कुछ एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस। उसने क्या बताया, उसने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हों तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है, और अगर शेयरिंग हो तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि कैसे हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं वो सारे हमारे पास स्टेबल होते हैं, ठीक है। नोबल गैसेज में वो स्टेबल हों, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो नोबल गैसेज के जैसे होना चाहते हैं। तो उस पर दो थ्योरीज थी, एक डुप्लेट और एक हमारे पास ऑक्टेट थ्योरी। ऐसे एटम्स जिनको अपना जिनके आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हों वो हमारे पास डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। और जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो हमारे पास आते हैं ऑक्टेट रूल ओबे करते हैं। अब जब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम S2 और P6 की बात कर रहे हैं, मीन्स हम S और P सबशेल की बात कर रहे हैं। S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और P सबशेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6 + 8 = 6 + 2 = 8। फिर बताया गया कि अगर हमारे पास, इस थ्योरी ने ये भी बताया कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद देखा गया कि ये थ्योरीज ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी थी, इन्होंने ये तो बता दिया एलिमेंट्स की शेप कैसी है, एटम्स में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कैसे हमारे पास जो है डबल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया। लेकिन किसी ने हमारे पास शेप्स के बारे में नहीं बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या हैं, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या है, बॉन्ड एनर्जीज क्या हैं, इनके बारे में किसी साइंटिस्ट ने कुछ नहीं बताया। फिर हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर थ्योरीज आई, 3 थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लैब में हम अगर कोई मॉडर्न मेथड्स जो हैं यूज़ करते हैं, एक्सरे डाइफ्रेक्शन और इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन टेक्निक्स ये यूज़ करके हम मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम मॉलिक्यूलर शेप्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर शेप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड सिमेट्री। फर्स्ट थ्योरी जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर आई वो थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। This theory was suggested by Sidgwick and Powell in 1940. It was developed by Gillespie and Nyholm in 1957. इस थ्योरी की बेसिस क्या थी? इस थ्योरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस किया गया है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्कस किया गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम मोलिकुलर ऑर्बिटल बट हैव ऑपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास बॉन्ड पेयर आते हैं और लोन पेयर आते हैं। बॉन्ड पेयर हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स होते हैं।
और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको कहा गया वो क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे जो हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टेनस क्लोराइड की, तो SnCl2, एक स्टेनस को दो क्लोरीन एटम्स राउंड करते हैं तो स्टेनस हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। फिर इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर देखें तो इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। कि हमारे पास सबसे पहले बात तो ये है कि जो एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम होता है उसके इर्द गिर्द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। फिर उसके बाद हमने कहा वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, और जो नहीं बनाते उनको हमने कहा लोन पेयर। लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू अ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस बट बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाई टू न्यूक्लियाई। ये रीज़न है कि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ होता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दो न्यूक्लियाई ने उनको अपनी तरफ जो है वो होल्ड किया हुआ होता है। तो जो रिपल्जन है अगर हम देखें तो लोन पेयर के दरमियान में जो रिपल्जन है सबसे ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास रिपल्जन स्ट्रेंथ्स हैं, लोन पेयर रिपल्जन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड इट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के दरमियान में होता है, तो इस वजह से उसके ऊपर होल्ड जो है न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो ज़्यादा होता है। फिर अगर हम बात करें तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने इसमें ये बात भी कही थी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। फिर ये भी हमने बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आइडियल एंगल है वो ही रहेगा, आइडियल एंगल में भी कुछ चेंज आती है। वो देखा था हमने कैसे आती है, ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की वजह से आ जाती है। फिर उसके बाद जो बॉन्ड मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज़ आता है तो जो एटम सेंट्रल एटम से उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है उसमें भी उनकी स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाती है। मतलब कि अगर सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम जो है वो ज़्यादा उसके इर्द गिर्द जो एटम्स अटैच्ड हैं अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो फिर उनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी चेंज हो जाती है। ऑल्दो वो तीन ही, मतलब हम ऐसा मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक और मॉलिक्यूल होगा उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लेकिन दोनों की शेप डिफरेंट होंगी। वो शेप क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड करती है नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री, सबसे पहले आप ये डिटरमिन करें कि सेंट्रल एटम कौन सा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दें और बार डाइग्राम बना दें, फिर आप उसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड करें, फिर अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स को देखें, फिर उसके बाद आप ज्योमेट्री देखें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स। अब हम देखते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मतलब ऐसे एड मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और सारे के सारे क्या हैं, बॉन्डेड हैं, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। सबसे पहले अगर देखें ऐसा एटम जिसके हमारे पास, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, बेरीलियम क्लोराइड की अगर बात की जाए या सिंपल बेरीलियम क्लोराइड हो या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, लीनियर ज्योमेट्री बना देंगे और एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री का। ऐसा सेंट्रल एटम जिसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जैसे BF3 बोरॉन जो है उसमें हमारे पास BF3 की अगर बात की जाए तो बोरॉन है और उसको 3 फ्लोरीन एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट होती है और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। मींस फ्लोरीन ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और इनमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। देन सेंट्रल एटम विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने दिखाई थी आपको, अगर हम मीथेन की बात करें, सो मीथेन कार्बन जो है उसको 4 हाइड्रोजन जो है वो सराउंड करते हैं और अगर आप देखें तो ये इनकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है,
मतलब एक हाइड्रोजन फ्रंट पे, दो साइड पे, एक टॉप पे। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। सेंट्रल एटम विथ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फॉस्फोरस की बात की जाए, फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है तो ये 5 हमारे पास इसके वैलेंस शेल होते हैं, 5 बॉन्ड बनाते हैं, BCl5। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो आप देख सकते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री भी होता है। देखें 120 डिग्री किधर होते हैं और 90 डिग्री, ये वाला जो बॉन्ड है ये 90 डिग्री का और नीचे वाला जो बॉन्ड बना है वो 120 का। अब अगर आप देखें तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन टॉप पे है, एक एटम टॉप पे होगा, एक बॉटम पे होगा, एक सामने होगा और दो पीछे होंगे, तो एज अ रिजल्ट बॉन्ड एंगल में भी चेंज आएगी, कुछ 90 के बनेंगे और किसके बनेंगे 120 के। ऐसे सेंट्रल एटम जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने सराउंड किया हुआ होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर, तो मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी ऑक्टाहेड्रल है और बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं कैसी है, 90 डिग्री है। शेप ऑफ मोलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर्स एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एटम्स, ऐसे मोलिक्यूल्स जिनमें बॉन्डेड पेयर्स भी हों और साथ में लॉन पेयर्स भी हों। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया की। अमोनिया को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है NH3 अमोनिया है, नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एम्प्टी मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल है उसमें ले जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमें पता है लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लोन पेयर टॉप पे आ जाता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर जो है वो डाउनवर्ड हो जाते हैं, उन्हें बेंड कर लेता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल होती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 या 1079 तक होता है। फिर हमारे पास सेंट्रल एटम विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर हम ऑक्सीजन वाटर की बात करें तो वाटर में हमें पता है H2O, ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, 2 इसके लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एज अ रिजल्ट बेंड स्ट्रक्चर इसकी बनती है, वी शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल है या बेंड शेप हम इसको कहते हैं। अब इसमें जो एंगल है वो 104.5 डिग्री का बनता है। सेंट्रल एटम विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। सल्फर को अगर देखा जाए तो सल्फर के हमारे पास एक लोन पेयर है और बाकी सारे हमारे पास 4 जो हैं इसके बॉन्ड पेयर हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसी बनती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लोन पेयर जो है, जितने भी लोन पेयर हैं वो सारे के सारे हमारे पास, अगर किसी भी मोलिक्यूल में लोन पेयर है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। बस अगर आप ये वाला रूल समझ जाएँ कि लोन पेयर जो हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर कम, तो आपके लिए बाकी करना आसान हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल पिरामिडल हम इसको कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कॉजेज स्लाइट डिस्टॉर्शन फ्रॉम 109 डिग्री टू 107। रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज लेस इन NF3 देन इन NH3। बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो NF3 में कम है एज़ कम्पेयर टू NH3। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ये हमारे पास एक चार्ट है, एक टेबल है जिसमें आपको दिखाया गया है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताए गए हैं, 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर 0 है और नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड्स कितने हैं 2 है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। ऐसे जिनमें हमारे पास 3 हों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हों और हमारे पास उसकी ज्योमेट्री या तो ट्राइगोनल प्लानर होगी या बेंट होगी, डिपेंड करते हैं उसमें लोन पेयर कितने और बॉन्ड पेयर कितने। फिर 4 का दिखाया गया है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल और बेंट शेप्ड होती हैं। 5 का दिखाया गया, इनका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, ये सीसॉ जैसी शेप होती है और 5 वालों की टी शेप भी होती है और लीनियर भी होती है। ये सारी आपको यहाँ पर दिखाई गई और उनकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। यहाँ पे 6 वाली दिखाई गई हैं, 6 वालों की मोलिक्यूलर ज्योमेट्री हमेशा याद रखें ऑक्टाहेड्रल होती है, स्केयर पिरामिडल भी होती है, स्केयर प्लानर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको ऑक्टाहेड्रल ही लेते हैं। अब हमारे पास लिमिटेशंस क्या थी वेस्पर थ्योरी की। वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन ये थी कि वेस्पर थ्योरी ने हमें मोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में तो बता दिया, मोलिक्यूल्स की 3D 2D स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, लेकिन इसने मोलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, तो वो ओवरलैपिंग कैसे हुई है, इसने इन वेस्पर थ्योरी ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। इसने बाकी सब बातें बता दी, स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बता दिया सब कुछ, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा अगर हम
बात करें रेजोनेंस की, रेजोनेंस हमने डिस्कस किया था, रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस हमारे पास है मींस कि ऐसा फिनोमिनन, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिनन इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अ कंपाउंड विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिकल पोजीशंस ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। मैंने आपको बताया जैसे बेंजीन है, बेंजीन की टू स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी और उसको हमने नाम दिया था केक्यूल्स का। तो रेजोनेंस क्या होती है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं और उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, वो रिंग के ऊपर या जो भी है रिंग है चेन है उसके ऊपर जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। एज अ रिज़ल्ट आप नहीं बता सकते कि अभी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे पास कौन से दो कार्बन एटम्स के दरमियान थे, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। फिर हमने देखा रेजोनेंस जो हाइब्रिड होती हैं, फिर हमारे पास जो बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स दिखाएगी। फिर उसके बाद देखा गया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर वेट, एवरेज वेट लिया गया और एवरेज वेट लेने के बाद बताया गया कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं, फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स जो आई थी वो हमारे पास 39% कंट्रीब्यूट करती हैं और बाकी 7% जिनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है उन्हें रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है और जो बाकी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। फिर हमने देखा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड्स बनते हैं उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो, ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो उस कंपाउंड के एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई हैं, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, उनमें कोई भी चेंज ना आए। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने देखे थे, बेंजीन देखी थी और साथ में हमने ओजोन देखा था जिनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।